देश में कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है और प्रयासों के बीच तमाम बाधाएं भी उत्पन्न हो रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए जो प्रारंभिक समय था, कोरोना का शुरुआती दौर था, पहला फेज था, उसमें पूर्णतः लॉकडाउन किया गया। इस बार भी कई पार्टियां ऐसा कह रही हैं कि अब लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन लॉकडाउन करने से समस्या ये पैदा हुई थी कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। सरकार इस संपूर्ण लॉकडाउन से डर रही है, लेकिन कोरोना महामारी लगातार फैलती जा रही है और इसको रोकने के लिए कई पार्टियां यह कह रही हैं कि बस अब बहुत हो गया, लॉकडाउन जरूरी है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कि क्या कोरोना को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन करना जरूरी है, इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं कांग्रेस से चंद्रेश सिंह जी और बीजेपी से सर्वेश नाथ त्रिपाठी जी, दोनों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे बीजेपी के प्रवक्ता सर्वेश नाथ त्रिपाठी जी के पास, और उनसे मैं पहला क्वेश्चन यही करना चाहूंगा कि आखिर अगर लॉकडाउन नहीं तो क्या सरकार के पास कोई दूसरा उपाय है कि कोरोना नियंत्रित हो सके? जी देखिए सर, कई डॉक्टर जो भारत के हैं वो ये बात कह चुके हैं कि भारत में लॉकडाउन अब आवश्यक हो चुका है जी, चैन तोड़ने के लिए बीमारी का, कोरोना का। जी जी जी, और निश्चित रूप से लॉकडाउन अब अनिवार्य है। अभी घोषणा भी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है कि 24 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। लॉकडाउन अनिवार्य चीज है बीमारी को तोड़ने के लिए, क्योंकि जो दिक्कतें आ रही हैं, वो जो संक्रमण हो रहा है भीड़ भाड़ से ज्यादा आ रही है संक्रमण, तो उस भीड़ भाड़ को कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे आम जनमानस को घरों में सुरक्षित रह करके बीमारी को छोड़ा जाए, इसके लिए सरकार तमाम प्रकार के कदम उठा रहे हैं। लॉकडाउन आवश्यक है बीमारी को तोड़ने के लिए जी, लेकिन वही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। वही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर तब फिर किस्तों में लॉकडाउन क्यों हो रहा है, ये कई बार क्यों नहीं लॉकडाउन हो जा रहा है? हाँ, इसका भी लॉकडाउन के ये देखा जा रहा है, और जो लॉकडाउन हो रहा है आप सड़कों पे निकल के देखिए, गांव की सड़कों पे निकल के देखिए, शहर की सड़कों पे निकल करके देखिए, क्या लॉकडाउन आपको लग रहा है? दुकानें बंद होने से लॉकडाउन प्रभावी होगा? देखिए सर, कुल मिलाकर सरकार की तरफ से किया गया लॉकडाउन एक अच्छा कदम है जी, और यह लंबे समय तक जारी नहीं रह सकता है, लेकिन यह आम जनमानस का भी कर्तव्य होता है कि इसमें सरकार का सहयोग करें और बीमारी से बचे और लोगों को बचाए। जी, ये किस्तों में जो आप कह रहे हैं अभी आप बात किए हैं, ये किस्तों में होने का तात्पर्य ये कि सरकार भी देख रही है कि अगर एक हफ्ते के अंदर बीमारी नियंत्रित हो जाएगा तो लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा, बीमारी बढ़ रही है अगर तो फिर उसको बढ़ा दिया जा रहा है, तो इसलिए किस्तों में जो इतनी सरकार नहीं चाह रही कि लॉकडाउन हो, सरकार भी नहीं चाह रही कि अर्थव्यवस्था भारत की खराब हो, सरकार भी नहीं चाह रही कि लोग भूख से मरें, तो सरकार को किस्तों में बढ़ाने का तात्पर्य यही है कि वो बीमारी को देख रही है कि अगर यदि नियंत्रित हो रही है तो लॉकडाउन नहीं बढ़ा जाएगा, अगर और नियंत्रित हो रही है तो लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। जी, चंद्रेश जी के पास जाना चाहेंगे इसी सवाल को लेकर के। जैसा कि अभी सर्वेश नाथ त्रिपाठी जी ने यह कहा है कि जो लॉकडाउन है वो किस्तों में जो हो रही है वो एक तरह से सही है और लोगों की भी अपनी जिम्मेदारियां है, उस जिम्मेदारी को निभाए, क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक बंद नहीं किया जा सकता, तालाबंदी नहीं की जा सकती। जी,
चंद्रे जी, आपकी क्या राय है? सर, कोरोना के प्रथम चरण में ही कांग्रेस पार्टी ने इस रूप से सरकार को यह सलाह दिया था कि लोगों के जीवन को भी बचाना जरूरी है और अर्थव्यवस्था को भी बचाना जरूरी जी। जब दुनिया के तमाम देशों में कोरोना अपना पैर पसार रहा था, तब प्रधानमंत्री जी इस विषय की गंभीरता को नहीं लिए और वो चीन के राष्ट्रपति के साथ झूला झूलने में और नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम करने में व्यस्त थे। यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। आप पहुंच जाते हैं सहयोग करिए, आम जनता को बचाइए, मोदी को गाली देने से देश का बाहर नहीं होने वाला है। आप अपने स्तर से कुछ करिए, लोगों को बचाइए, मोदी के गाली देने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। मोदी मोदी ट्रंप ट्रंप क्या चिल्लाते हैं, कोई मतलब नहीं। अब राहुल राव चिल्लाए क्या मतलब है? नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी हैं तो बात किससे पूछेंगे? सर्वेश क्वेश्चन का जवाब देंगे? नहीं, मोदी की बात आप हर चीज पर मोदी ले जाती है। मैं कहता रहा हूँ आपकी नहीं की कोई लाइबिलिटी बनती है, आपकी लाइबिलिटी कुछ बनती है। नहीं, एक पड़ोसी अगर भूखा मरेगा तो आप मोदी को गाली देंगे? आपके लिए लाइबिलिटी है कि पड़ोसी को मैं भूखा करा दूं? उसी विषय पर नहीं, एक अगर आदमी बीमार पड़ा मोहल्ले के तो आप मोदी को गाली देंगे? आपके लिए लाइबिलिटी बनती है कि मैं आदमी को बीमार डालने के लिए जिम्मेदार कौन है? आप मोदी को बार बार क्यों आपका बार बात कहना क्या चाह रहा हूँ? विषय से यार विषयांतर मत करो, सुनो पहले बात। आप विषयांतर आप ही हो रहे हैं कि जब प्राथमिक चरण में तो ये कार्यक्रम हुए ठीक है, उसके बाद कोरोना भारत में फैला, भारत सरकार ने पूरे देश में कठोर लॉकडाउन लगाए जिसका सबने समर्थन भी किया, सहयोग भी किया। इन्होंने कहा कि नागरिकों को साथ देना चाहिए। प्रधानमंत्री के एक अपील पर देश के नागरिकों ने ताली बजाया, थाली बजाया, दीपक तक जलाया। इसका मतलब कि पूरे देश के नागरिक प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई बातों का पूर्ण समर्थन किए। कुछ ही दिन बाद बिहार में चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री ने दो गज की दूरी का नारा देकर और खुद ही बड़ी बड़ी जनसभा को संबोधित करने पहुंच गए। दो गज की दूरी का नारा दिया, बंगाल में जनसभा करने पहुंच गए, असम में जनसभा करने पहुंच गए। तो प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने द्वारा बनाए गए निर्देशों को ही तोड़ दिया, जिससे आम जनता को ये लगा कि सच में ऐसा हो सकता है, कोरोना न हो, ये हो वो हो, उस पर से विश्वास टूट गया। लोगों ने कोरोना संबंधी गाइडलाइन का पालन नहीं किया, जिसके कारण कोरोना का दूसरा फेज देखने को मिला, जहां पर हमारा सिस्टम पूर्ण रूप से फेल हो गया। शमशानों पर जलाने के लिए जगह और लकड़ियां कम पड़ गई, लोगों को लाशें जब गंगा में तैरने लगी। लेकिन सवाल ये है चंद्रेश जी, इस तरह सवाल यह है कि आखिर जो आंशिक लॉकडाउन लग रहा है, यानी किस्तों में जो लग रहा है, इसको सही मायने में किस्तों में लग रहा है, बहुत पहले क्या वो सही है? मैंने बातें बार बार दोहरा रहे हैं, ये कई बात बस बार बार भाई क्या कहा? पहले आपके ही चैनल पर कहा था कि ऐसी आपदा से निपटने के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जरूरत पड़ती है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है, आपको मालूम है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है? हाँ हाँ, सहयोग सहयोग। ये क्या है बताइए, क्या होता है? सहयोग की भावना, स्वतंत्र रूप से सहयोग की भावना, स्वतंत्र रूप से सहयोग की भावना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता है। बताइए क्या होता है? लिया करिए सर। हाँ बोलिए बोलिए क्या होता है? जानकारी है नहीं, हल्ला करते हैं, इसीलिए समस्या का समाधान नहीं है। नहीं नहीं, हल्ला तो आप लोग करने वाले हैं, आप लोग दो चीज पढ़ लेंगे बस, उसके बाद बोल देंगे बात, अभी मेरे मुद्दे पर आप आएंगे नहीं। अभी ये था कि जब सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता, मेरे सवाल पे आइए,
देखिए देवेंद्र जी, आप देवेंद्र जी आपने जो मुझसे पूछा, मैं आपको वो चीज बताया, क्या क्या वो चीज बताएंगे जो मैं बताया हूँ? क्या को हल बताएंगे जो मैं बताया हूँ? संबंध में आपको एक्सपर्ट होना भी जरूरी होता है सर। खैर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है कि यदि कोई समस्या है तो राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांत स्तर पर और पंचायत स्तर पर सभी मिलकर एक साझा कार्यक्रम तय करें और उसका पालन करें और समस्या का समाधान करें। जब प्रधानमंत्री इस संबंध में निर्णय ले रहे थे, ये आरटीआई, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये आरटीआई के तहत बात खुलासा हुआ है कि उन्होंने लॉकडाउन लगाने के संबंध में किससे पूछा, तो आज तक कोई एजेंसी जवाब ही नहीं दे पाई, कोई इनका विभाग जवाब नहीं दे पाया कि प्रधानमंत्री ने किसी से सलाह भी लिया था क्या। अब मामला बहुत हाथ से जा चुका है, बहुत आगे निकल चुका है, अब नियंत्रित करना इतना आसान नहीं है। फिर भी यदि सरकार लॉकडाउन का कदम उठाती है, मनमोहन सिंह के हाथ से राव बदले का बिल फाड़े तो किसी सलाह लिए थे इनसे कम दिन के लिए? हम कठोर लॉकडाउन की मांग करते हैं, पूर्ण विराम की मांग करते हैं, ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। यह सरकार कदम उठा रही है, सरकार कदम उठा रही है रोकने के लिए, कोरोना के प्रभाव को, प्रसार को रोकने के लिए डिस्टेंस बहुत जरूरी चीज था और उस गाइडलाइन को सरकार के द्वारा खुद तोड़ा गया, जिसका परिणाम आज देश भुगत रहा है। हाँ, एक बात जरूर है कि हमें अर्थव्यवस्था को भी बचाना था। जब पहली बार लॉकडाउन लगाए तो इन्होंने अर्थव्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया, प्रधानमंत्री का ही स्पीच था कि हमारे लिए अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण नहीं, जाने महत्वपूर्ण है। और पता नहीं 1.5 साल में प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या किया, बीजेपी सरकार ने ऐसा क्या की, ना तो अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहा और ना ही लोगों का जीवन सुरक्षित रहा। तो कहीं ना कहीं ये समझाइए जरा, इनको समझाइए, इनकी बुद्धि मारी गई इनकी है। 1.5 साल में सब कुछ अर्थव्यवस्था वो ठप रही, जो भी साधन थे राजस्व को भी बंद रहा, तो इकट्ठा होगा, कम से कम सोचना चाहिए सब चीज, ये सब माइनर चीज है, ये हाई स्कूल के आर्ट क्लास बच्चे जानते हैं, बात सब बात क्या है, ये सब आप बात क्या है, ये सब हाई स्कूल के आर्ट माइनर बच्चे जानते हैं सब चीज। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मतलब इसका है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बड़ी ईमानदारी से बोलिए। हाँ बोलिए। जब कोरोना फैल रहा था, दूसरी तरफ बंगाल में जनसभा करना उचित था या अनुचित था? अच्छा, तो ये केरला में तमिलनाडु में राहुल गांधी, नहीं नहीं बताइए आप, नहीं आप बताइए, केरला में और तमिलनाडु में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो जनसभा किए थे लोग, क्या आपने उसका विरोध किया? बोलिए आप, आपने विरोध किया, आपने क्यों विरोध किया? बिल्कुल, इतने राजनैतिक कार्यक्रम हुए, सबका विरोध हो रहा है, उस पर रोक लगाना किसकी जिम्मेदारी थी? निर्वाचन आयोग की, सरकार की या विपक्ष की जिम्मेदारी थी? हम कार्यक्रम में नहीं जाते, सबका था, सबका था, हम हार के डर से भाग गए, नहीं आप राहुल गांधी वॉकआउट करके होते, राहुल गांधी रैली से वॉकआउट करके होते, जिम्मेदारी ये बताइए, पहली जिम्मेदारी विपक्ष की है कि पहली जिम्मेदारी सरकार की है? सबकी है, सबकी है, सबकी है। तो सरकार, तो आप मानेंगे कि सरकार से यहाँ गलती हुई है? आप मानेंगे सरकार से गलती हुई है? आप मानते हैं कि विपक्ष से भी गलती हुआ है? बिल्कुल, सबसे गलती हुआ है, आप मानिए ना, सरकार सबसे गलती हुआ है, तो इसको दोबारा क्यों दोहरा रहे हैं आप? कहिए ना, आप कहिए कि सरकार से जिम्मेदार आप हैं, उतना आप भी हैं। नहीं, हम नहीं जिम्मेदार हैं, हम जी, हमारा सब्जेक्ट ये नहीं है कि क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट ये आप देवेंद्र जी, देवेंद्र जी मैं वही बोलता हूँ जो आप पूछते हैं। देवेंद्र जी, दोनों मेहमानों से निवेदन है कि मेरी बात सुने, सब्जेक्ट ये नहीं है कि क्या हुआ है, सब्जेक्ट ये है कि क्या होना चाहिए, यानी कि अगर जो लॉकडाउन जरूरी है तो कितना जरूरी है। हमने आपको जी कम से कम 15 दिन कठोर लॉकडाउन लगाया जाए, ये नाइट कर्फ्यू, डे कर्फ्यू, 8 से 7, 7 से 9, ये सबसे होने वाला कुछ नहीं है। 24 आवर कंप्लीटली लॉकडाउन फॉर 15 डेज, ये गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी चीज, बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च करके सभी का टीकाकरण निःशुल्क करने का कार्य सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है,
डॉक्टर की व्यवस्था की जानी चाहिए। वो भी हो रहा है, वो भी पर्याप्त मात्रा में हो रही है। अब मान लोगे कि सब हो रहा है, सब हो रहा है भाई, सब हो रहा है। सर्वे जी, सर्वे जी, आपके सुप्रिया का देने से कि सब हो रहा है, हाँ हो रहा है तो लाशें होते हैं। नहीं देवेंद्र जी, इस बात को हवा हवाई में नहीं बोल रहा हूँ। नहीं देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, मृत्यु दर रुका हुआ है। आप यहाँ जो बैठे हैं, हमारे यहाँ नियंत्रित हो चुके हुए हैं, तो जुड़ना बढ़ता है तब आप जुड़े हैं और तब चर्चाएं हो रही है। अगर नहीं जुड़ते तो चर्चाएं नहीं होती। नहीं, बीमारी हो रहा है, देखिए इस बीमारी का मृत्यु क्या मतलब है उसका, आप बताइए। आप क्या मतलब होता है सर्वेश जी, कठोर लॉकडाउन का क्या मतलब होता है? क्या लोग सड़कों पे दिखे, लोग गाड़ियों में दिखे, क्या मतलब होता है इसका? अच्छा देवेंद्र जी आप बताइए, देवेंद्र जी का निर्णय ले रही है। आज गाँव में कोरोना फैल गया, आज गाँव में कोरोना फैला कि नहीं फैला? आज गाँव में कोरोना फैल गया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नागरिक, जनता है बिल्कुल। और पहली बार जो कठोर लॉकडाउन लगा था उसकी जिम्मेदार भी जनता थी। नहीं लगाया गया, लोग बताया गया कि आप, नहीं हाँ आप लगाया गया लॉकडाउन, इसलिए लगाया गया कि लोग जाने कि हमको कैसे रहना है, नियम का पालन करना है। आप बताइए, एक छोटा मोटा कस्बा है, आप देवेंद्र जी बताइए, देवेंद्र जी एक से बताइए, आप एक छोटा मोटा कस्बा है, चार उसके पुलिस 400 दुकानें हैं, सरकार क्या करेगी ये बताइए ना मुझे। नहीं बताइए, लॉकडाउन जैसा कि चंद्रेश जी ने कहा कि कठोर लॉकडाउन की बात उन्होंने करी, हाँ उसके बारे में बताइए आप, कब से लगा रही है आपकी सरकार? लॉकडाउन तो लगी हुई है, अब कठोर उसके देखिए अभी सरकार इसको लॉकडाउन कहते हैं। आप अपने चौराहे पे निकल के देखिए क्या लॉकडाउन का असर दिख रहा है वहाँ पे। अच्छा वही मैं सर कहना चाह रहा हूँ कि एक कस्बा उसमें चार पुलिस है, 400 दुकानें हैं। जनता को जिम्मेदार मत करिए आप, के लिए जनता को जिम्मेदार क्या आप बताइए लॉकडाउन लगा है और आप पर जनता दिख रही है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मेरी बात तो सुन लीजिए, आप उसके लिए जनता को सीधे सीधे जिम्मेदार सर्वे जी बता रहे हैं, आप बताइए किसको जिम्मेदार आप ठहराते हैं? क्या सिर्फ जनता ही जिम्मेदार है चंद्रेश? देखिए स्पष्ट रूप से कह चुके हैं, सरकार का प्राथमिक दायित्व तो होता है लोगों की जान माल का सुरक्षा करना, और जनता अबोध बच्चे की तरह होती है सरकार के लिए, उनके जीवन की सुरक्षा की सुरक्षा के संबंध में पूर्व ज्ञान सरकार को होना चाहिए कि हमें क्या क्या है इससे इनकी सुरक्षा हो सकती है, और उनका जनता के ऊपर ऐसे कानून बनाकर नियम बनाकर आदेश जनता अवोध होती है। अरे उस जनता में वैज्ञानिक भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, वकील भी होते हैं, जनता भी होते हैं, लाठीचार्ज भी होता है, जनता अवोध होता है। क्या गजब की बात करते हैं, कहां से बात उठाते हैं मुद्दा। अरे जनता के साथ ये बताइए कभी कभी करार क्यों बनाती है? हमें बताइए, आपकी हंसी आ रही है। नौकरियां बंद है, ब्याज चालू है, दुकानों में ताला बंद है, रेंट चालू है, फैक्ट्री बंद है, ब्याज चालू है, नौकरी छूट गई, क्या भरेंगे? कोई सरकार का जनता को लेकर जनता के हित में कोई डिसीजन नहीं। देवेंद्र जी बात कौन करिएगा इनके बात को, देवेंद्र जी इनके बात कौन करिएगा? देखिए अपनी ही बात अपने फंस रहे हैं सरकार का, इनका बात कौन करिएगा? आप तो जवाब दे ही रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं तो इनका जवाब भी आप दे दीजिए। इसमें कोर्ट हाँ, क्या करना है, आप जवाब दीजिए। लगता है कि चंद्रेश जी गलत कह रहे हैं, आप जवाब दीजिए। ये अपने बात को फंस रहे हैं जी, जवाब दीजिए। सर्वेश जी कम है
विषय वस्तु को ये कम समझते हैं इसलिए लड़बड़ाई ज्यादा नहीं। अरे आप अब सब छोड़िए बात ही छोड़िए, हम आपसे बात कर रहे हैं। बौद्धिक क्षमता कितनी है समझ आ गई आपके चैनल पर, आप उसको गंभीरता से लीजिए। बौद्धिक क्षमता कितनी है, कितना आप देश के बारे में चिंतन कर रहे हैं अब समझ में आ गया, वो बात बता दीजिए आप। देवेंद्र जी हम आपसे दो तीन बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आपके माध्यम से हम देश की जनता को भी ये बताना चाहते हैं। जनता कई हमारे मित्रों का फोन हमारे पास आया, उन्होंने बताया कि बैंक से उन्होंने कर्ज ले रखे हैं, कोरोना काल में नौकरी उनकी छूट गई और बैंक उनके ऊपर ब्याज जमा करने के लिए लगातार ईएमआई जमा करने के लिए दबाव बना रहा है, क्या ये कहीं से नैतिकता है? इस संबंध में सरकार को कोई गाइडलाइन जारी करना चाहिए? नहीं, आपने शहरों को लॉक किया, कठोर लॉकडाउन लगाए, हम उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई किराया नीति लागू किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? दुकान बंद है लेकिन किराया चालू है, लोगों की फैक्ट्रियां मांग के कारण बंद हो रही हैं, लेकिन लोन उन्हें जमा करना है, लोग किस माली हालात से गुजर रहे हैं, लोग किन समस्याओं से गुजर रहे हैं, इसका थोड़ा भी बोध इस सरकार को नहीं। लॉकडाउन से आज मानवता संकट में है, स्पष्ट करेंगे लॉकडाउन की रोजगार, हाथ दोनों ऊपर उठाकर लॉकडाउन या रोजगार के नागरिकों, हे आर्य पुत्रों, तुम मानवता को बचाओ, मानवता ही नहीं रहेगी तो धर्म कहाँ बच पाएगा? आज मानवता को संकट में लाकर नरेंद्र मोदी ने खड़ा कर दिया है। हमारे नरेंद्र मोदी पराग है, आपको मोदी छुटिया हो ही गया है, आप मोदी को बस गाली दीजिए, देखिए समस्या हल हो जाएगी। मोदी जी, अब सर्वे जी आपको पूरा मौका है, आप अपनी भी भड़ास निकाल ही लीजिए। नहीं, बस मैं एक चीज कहना नरेंद्र जी, बस मैं एक चीज, आम जनमानस की मैं बात कर रहा हूँ, जिस चीज को आप अपने गांव आए हैं आप अपने चौराहे पर भी देखते होंगे। अगर एक कस्बा है उसमें चार पुलिस हैं, 400 दुकानें हैं, आप बताइए कितने टच करेंगे पुलिस दुकान, आप हमको जरा बता दीजिए। अच्छा, वो पुलिस अंडे की दुकान है, मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, सुनिए, अगर आपकी सरकार ने क्यों नहीं भरी, चार पुलिस क्यों है, क्यों नहीं वैकेंसी भरा गया? वॉलंटियर के रूप में आपदा एक कस्बा है, उसमें 400 दुकानें हैं, चार पुलिस उसमें, अब उसमें रनिंग कर रहे हैं लोग, अब जो पुलिस जा रही है तत्काल क्या कर रहे हैं, लोग अपनी दुकानें खोल दे रहे हैं, पब्लिक उसमें बेचना शुरू कर दे रहे हैं, अब आप बताइए कि उसको नियंत्रित कैसे किया जाए? उसके बाद भी डंड, अगर पुलिस अगर किसी फल वाले को सब्जी वाले को डंडा मार रही है तो विपक्ष भी कह रहे हैं देखिए गरीबों के पेट पलाक मार रहे हैं लोग, तो आप बताइए कि कहाँ तक उचित है ये सब चीज, आप हमको बता दीजिए जरा। जी बताइए चंद्रेश जी, कहाँ तो आम जनता की बात हो गई, आम जनता जिम्मेदार इसके लिए है। इन्होंने आबादी के हिसाब से ये स्वीकार किया कि पुलिस संख्या बल कम है, ये किसकी जिम्मेदारी है पुलिस की नियुक्ति करना? यदि वैकेंसी खाली है, 70 साल आपने कितने नियुक्ति किया था? 70 साल आपने कितने, दो नंबर साल में आपने पुलिस कितना नियुक्ति किया था बताइए? हमारे पास NCC है, NSS है, स्काउट प्रशिक्षित लड़के हैं, लड़कियां हैं, इनको हम कोरोना वॉरियर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हर गांव में NCC और स्काउट प्रशिक्षित लड़के लड़कियां हैं, उस गांव में उस क्षेत्र में उन्हें कोरोना वॉरियर के रूप में इस्तेमाल करके उनका सहयोग कितना घर पर लगाएंगे हम नियंत्रित कर सकते हैं करने के लिए चाहिए और दूरदर्शिता चाहिए। इस सरकार के पास करने के लिए ना तो इच्छा शक्ति है और ना ही दूरदर्शिता है। अरे वाह, आप देखिए ये पत्रकारों केवल राहुल गांधी के पास और किसी पास नहीं अधिकार, भारत में सरकार की पूरे भारत में राहुल गांधी छोड़कर किसी के पास नहीं दूरदर्शिता। पिछले 5 साल में आपने कितनी वैकेंसी हॉस्पिटल में किया,
कितने नर्सों की वैकेंसी आपने किया, कितना आपने कांस्टेबल की वैकेंसी किया, कितने होमगार्ड की वैकेंसी की, आपकी 100 जवाब को मैं एक ही जवाब दे रहा हूं कि पूरे कांग्रेस ने कितना एम्स बनाए हैं और भाजपा ने 7 एम्स बनाए हैं, वही बस देख लीजिए। आखिर जो 22 एम्स जो नया बना है उसकी वैकेंसी कौन किया है, कांग्रेस ने किया है कि बीजेपी ने किया है, सरकार ने किया है, बताइए अपना क्या स्टार देखिए। एम्स कितने बने हैं 70 साल में भारत में बता दीजिए आपको, कितने एम्स काम कर रहे हैं, एक्टिव एम्स कितने हैं अभी, आपकी गोरखपुर में काम एम्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अभी काम नहीं कर रहा है गोरखपुर में, ठीक कर दिया है कि हम कोविड काम कर रहा है। आप उस मंडल के रहने वाले, आप उस मंडल के रहने वाले हैं, हमको जरा बता दीजिए कि गोरखपुर एम्स काम कर रहा है, गोरखपुर एम्स किसने बनवाया, गोरखपुर एम्स किसने बनवाया है, किसने बनवाया है, किसने बनवाया बताइए जरा, तो गोरखपुर एम्स के बारे में आप पता करिए। संसद में प्रस्ताव कांग्रेस के समय में ही आ गए थे, बजट में प्रोविजन था, जमीन न मिलने के कारण एम्स यहां नहीं बन पा रहा था। लास्ट टाइम में समाजवादी पार्टी की सरकार ने जमीन दी है तो पिछली प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। गोरखपुर एम्स कांग्रेस की देन है, भाजपा की देन नहीं है। हाँ, ये देवेंद्र जी, देवेंद्र जी मैं आपके आपके माध्यम चाहता हूँ हमेशा से मांग करते रहे। मैं आपके माध्यम चाहता हूँ कुछ मानसिक डॉक्टर्स को दिखा दीजिए पहले, आप इनको किसी मानसिक डॉक्टर सबके इलाज नहीं होते जी। हमने ये नहीं है कि एम्स किसने बनवाया और कौन ज्यादा बनवाया, नहीं बात ये है कि आपके ये हमने कोरोना से मात देने के लिए सरकार के पास लॉकडाउन के सिवाय और क्या उपाय है, क्या उपाय कर सकती है जी, बताइए जी। बताइए हम चंद्रे जी के पास आना चाहेंगे, ज्यादा समय नहीं है, सबसे पहले आप सार्थक प्रश्न है उसके सार्थक उत्तर दीजिए। आप बताइए लॉकडाउन के सरकार के पास और कोरोना को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय है, कोई रोड मैप है भी या नहीं जी, सर्वे जी। हाँ सरकार इस पर देखिए, पहले तो ये लॉकडाउन जो लगाया है, अगर इससे बीमारी नियंत्रित नहीं हो पाई, लोग अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाए, पर्याप्त तो नहीं है, पर्याप्त नहीं है, मैं आपकी बात को खारिज करता हूँ, सिरे से खारिज करता हूँ, पर्याप्त नहीं है क्योंकि इस लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है, सरकार के बंद होना लॉकडाउन नहीं होता। सरकार का जो अगला कदम है, सरकार का जो अगला कदम है वह एपिडेमिक डिजीज एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, सीआरपीसी और पीसी के तहत कार्रवाई भी करेगी सरकार, एकदम साफ निर्देश है सरकार का कि जो चार पांच जो जी चंद्रा है वही प्रश्न लेकर हम आपके पास आना चाहेंगे, वही सब कुछ कार्रवाई करेगी, हम आपके पास आना चाहेंगे जो पहले किया था, जो पहले किया था। आपके पास कोरोना को नियंत्रण करने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए, कोरोना को अपने नियंत्रण में लेने के लिए सरकार को लॉकडाउन, तो खैर कठोर लॉकडाउन आपने बताया ही है, उसके सिवाय अन्य क्या उपाय हो सकते हैं जी। ये हमने लगातार कहा कि कम से कम 15 दिन का कठोर लॉकडाउन कर दें, एक नंबर बात ये है। दूसरी बात जी, इन्होंने स्वीकार किया कि इस समय पुलिस महकमा में कर्मचारियों की कमी है, सिपाही कांस्टेबल अरे कमी कम नहीं भाई, वो 70 साल में आपने क्या किया, आपने भाई जी, तो समय जी आपको सुन चुके हैं, आपको सुन चुके हैं, चंद्रे जी को अपनी बात कह लेने दीजिए जी, नहीं हर बार टोकना अच्छा नहीं होता ना सर्वे जी, आप ये चंद्रे जी अपनी बात पूरी करिए। 30 साल से तो लगभग यूपी में कांग्रेस नहीं है, जो सरकारें थी उसकी जिम्मेदारी तो और भी है ना, कि और नहीं भी रहेगी, और नहीं रहेगी, और नहीं रहेगी। बात मैं कह रहा हूँ वो अलग बात है, वो अलग बात है, आप अपनी जी अपना उत्तर सर, आज हम हल्ला करने के मूड में नहीं है, सुनिए हमारी लॉजिकल, मैं आपसे बात कह रहा हूँ। 15 दिन कठोर लॉकडाउन, दूसरी चीज पुलिस के साथ साथ जो हमारे एनसीसी प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, स्काउट प्रशिक्षित हैं, एनएसएस प्रशिक्षित हैं, उनको भी हम कोरोना वैरियर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि हमें इस कोरोना से निपटने के लिए एम्स की जरूरत नहीं है, हमने हर ब्लॉक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए हैं, हर जिले में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और हर मंडल स्तर पर लगभग मेडिकल कॉलेज है,
इनका इस्तेमाल करिए, इनमें सुविधाएं बढ़ाइए। हमारे पास संसाधन की कमी है, स्थान संस्थानों की कमी नहीं है, संस्थान है संसाधन नहीं है, संसाधन आप बढ़ाइए। दूसरी चीज कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कोविड इलाज के लिए हमें फ्री कर देना चाहिए, उन्हें गाइडलाइन अपने अंतर्गत लाना चाहिए, है ना। तो इससे हम बहुत जल्द और आसानी से कोरोना पर नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब देखिए कितनी संवेदनहीन सरकार है। जब इन्होंने कोरोना के मरीजों को नदियों में फेंका तो इन्हें इतनी बात समझ में नहीं आई कि वायरस पानी में नहीं मरता है, जली जीव वायरस को उस लाश को खाएंगे, कुत्ते बिल्लियां उस लाश को खाएंगे, जानवर जाकर उसमें पानी पिएंगे, जानवर नदी से बाहर आएंगे, तो इस तरीके से नदी के द्वारा ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना तेजी से फैल सकता है। देवेंद्र जी, इसी तरह यह क्वेश्चन से जो लाशें की बात कर लगातार बातें करते जा रहे हैं, क्या राहुल गांधी या कोई गया था क्या वहां पर गंगा नदी तट पर, कोई आपके पास है कोई पेपर कटिंग? नहीं, ये कोई बात नहीं होगी ना सर जी, अफवाह मत उड़ाइए। जो खबरें आती हैं उन्हीं को आधार बना के बात किया जाता है ना। अगर ऐसा हुआ है तो होते हैं हमारे, अगर ऐसा हो, अगर अगर गंगा नदी में लाशें पाई गई होती ना देवेंद्र जी, अगर आप भी बातें लगाई गई होती अभी तक विपक्ष वाले आधार तो नहीं रखते ना, और फोटो खिंचा आधार होता है इनके पास भी आधार है, अभी तक बाहर पेपर नहीं हुआ आगे होता राहुल गांधी की नहीं है। छोड़ने वाला है गलत है, ये निराधार है। आपको मुद्दा नहीं है तो मुद्दा बना लीजिए, अलग बात है। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा बना लीजिए, ये अलग बात है, लेकिन ये बात निराधार है। सरकार जो है अभी तक वो हल्ला मचा करके आंदोलन किया होता, वो साथ अपना जो है गंगा नदी में लाशें बह रही हैं, आप क्या कह रहे हैं? नहीं बह रही है, ये रूमर है। देवेंद्र जी आप बताइए, आपने अफवाह फैलाया है, मीडिया के लोगों ने अफवाह फैलाया है, न्यूज़पेपर ने अफवाह फैलाया है। अरे देखिए जो भी बातें आती है अगर ये बातें गलत होती कि नदियों में लाशें तैर रही हैं, तो अब तक कितने मीडिया संस्थान पे एफआईआर हो गए होते? नहीं तो थोड़ा बहुत हो गए एफआईआर होगा, एफआईआर होगा। देखिए अच्छा बताइए, होती है अगर नदियां लाशें वो तैर रही थी तो विपक्ष लोग क्या कर रहे थे? लोग बताइए आप जरा, विपक्ष क्या कर रहा था? विपक्ष को बताना चाहिए, वहां पर कोई है विपक्ष वहां पर गया है? आप बताइए जरा हमको, तो विपक्ष ने बताया इसको जाकर के गया वहाँ पर कोई विपक्ष गंगा नदी तट पर? विपक्ष तो लगातार कोई गया विपक्ष वहाँ पर, हम तो बताइए ना आप, कोई ये बताइए ना कौन नहीं जाकर के वहाँ पर? तमाम मीडिया एजेंसी के लोग गए हैं, तमाम पत्रकार रिपोर्ट है, इस सीएम के विपक्ष लगातार देख रहा है, तभी तो विपक्ष ये मुद्दा उठा रहा है। एसी बैठ लगातार देख रहा है, इसमें बैठ करके उसको फुर्सत नहीं है जानता जाने के लिए। आपका नेता समझ गए, और जी जी सर्वे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इतने बड़े मुद्दे पे सर्वे जिले लोगों जैसे लोगों को सुनकर कि उन्हें क्या करना है। चंद्रे जी देश सही दिशा में जा रहा है, सहयोग करिए। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास समय नहीं है कि हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएं, फिलहाल सही दिशा में जा रहा है, सहयोग करिए। डिबेट में इस चर्चा में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।